शासन रत्न ना चरण मा भक्ति नो सूर्य रत्न सुंदरनी शक्ति नो आस्पर्श छे श्रुति सृष्टि नो आस्पर्श छे कृपा वृष्टि नो आस्पर्श छे गुरु भक्ति नो सूर्य रत्न सुंदरनी शक्ति नो आस्पर्श छे श्रुति सृष्टि नो आस्पर्श छे कृपा वृष्टि नो आस्पर्श छे ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने सबकी उलझन सुलझाने अंधियारों को मिटाने ये ज्ञान की ज्योति પૂજનના લાભાર્થી જીયા સપનભાઈ શાહ યુએસએ એ પરિવારને હું આમંત્રિત કરીશ. પધારો અને આ પૂજન કરો. ઓમ રીમ નમો નાણસ 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 ગમણિજમ જાતિ એમ ગમણિજમ તમ ગમણિજમ અંતા ગોયમાં જા છે જા મે તમ ગમણિજમ જા દા મે તમ ગમણિજમ आत्मा शरीर को भी कर्म बंध है. काती कर्म के क्षय करने के बाद केवल नानी को भी कर्म बंध होता है. जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक. आज वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं. कर्म बंध
किस दरवाजे से कर्म का बंध होता है, इनकी बात शास्त्रकार ने लिखी है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद, चार क्षेत्र, पांच क्षेत्र ऐसा है जहाँ कर्म के फ्लो को आने का एक रास्ता में फल। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको जो भी दर्शन होता है वो क्रिया का दर्शन होता है या क्रिया के फल का दर्शन भी तो होता है? आप बाजार में जाते हो क्रिया और प्रॉफिट वो फल, लड़का कॉलेज में जाता है वो क्रिया, वो पास होने के बाद आगे निकल जाता है वो फल, खमन खाते वो क्रिया और डायरिया हो जाता है फल। मैं आपको इतना पूछना चाहता हूँ, आपकी नज़र कहाँ तक, क्रिया के प्रति या फल के प्रति? बहुत गंभीरता से बात करना चाहूँगा, या तो पाप में उल्लास कम हो जाएगा या तो धर्म में उल्लास बढ़ जाएगा। मुझे कमेंट के लिए मत बोलना, अभी तक हमने जो धर्म किया उसमें आपको क्या लगता है? मुझे क्रिया दिखाई पड़ती या क्रिया का आउटपुट दिखाई पड़ता है उसी टाइम? एक अच्छा लड़का, उसको तुम गुटखा खाने की बात करो, वो क्रिया नहीं देता है, गुटखा में उनको कैंसर का दर्शन होता है। वो बोलता है लाख प्रयास कर मैं नहीं खाने वाला हूँ। आनंद आने के बावजूद भी वो गुटखा के प्रति आकर्षित नहीं है, क्योंकि उनको क्रिया नहीं दिखाई पड़ती है, क्रिया के पीछे फल दिखाई पड़ता है। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, आज पांच बात आपके सामने रखना चाहूँगा, मगर पहले ये कंसेप्ट क्लियर करो, धर्म के क्षेत्र में, पाप के क्षेत्र में आपको क्रिया दिखाई पड़ती है या क्रिया का फल दिखाई पड़ता है? हमारा सम्यक दर्शन क्या बोलता है? आप जो मानते हो, आप जो, मैं नहीं कहना चाहूँगा, आप इतने साल के बाद शालीभद्र का, आपने भले तुम बेस्तावर से एनी अरे बात नहीं, शालीभद्र का जब भी आपके सामने चरित्र आता है तब आपको क्या दिखाई पड़ता है? उनकी मानव पेटी या इनके पीछे अहोभाव के साथ बेरही हुई गुजरी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, फल दिखाई पड़ता है क्रिया देखा, शालीभद्र का फल दिखाई पड़ेगा मगर क्रिया जब तक नहीं दिखाई पड़ेगी, आप क्रिया बिना तो फल आएगा ही का। ममन सिंह की सातवीं नर दिखाई पड़ती या क्रिया दिखाई पड़ती है? इतनी संपत्ति के पीछे लगाओ, इतना संग्रह, पागलपन, किसी को एक रुपया मैं नहीं दूंगा कम नहीं होना चाहिए, ये संग्रह वृत्ति और सातवीं नरक। ममन सिंह की सातवीं नरक दिखाई पड़ती है या मूर्छा का पाप दिखाई पड़ता है? और एक बात, मैं मूर्छा के लिए अब जो रुपये की जरूरत नहीं, एक रुपये के पीछे भी मूर्छा हो सातवीं नरक मिल सकती है। राजग्रही नहरे रे ध्रुम के कपड़े, शिला पाड़न तो पहुंचो सातवीं। राजगृह का भिखारी भी सातवीं नरक में चला गया और राजगृह का मम्मण भी तो सातवीं नरक में चला गया, भिखारी, अब जो रुपया नहीं था मगर इनके मन में जो भी मिला इनके प्रति इतना लगाव था, इतना लगाव था, सातवीं नरक दे दी। आज मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए आज एक नया सब्जेक्ट लेके आपके सामने आया हूँ, धर्म के प्रति आपको क्रिया दिखाई पड़ती या फल दिखाई पड़ता है, पाप के प्रति क्रिया दिखाई पड़ता है फल। मम्मण सातवीं नरक में गयो ये तुमने दिखायू, पण जमानी पाछळनुं कारण एने मळेली संपत्ति पाछळ कातिल मूर्छा। संगम शालीभद्र बन गया वो तो तुमने दिखाई पड़ा, मगर संगम ने गुचरी बना के लिए जो हाइट पे इनका भाव गया था वो आपको दिखाई पड़ा। इस एरिया में आप रहे हो, 700-800 से हजार साधु साधी इधर उधर एक किलोमीटर के एरिया में शायद होंगे। इस एरिया में रहने वाला का वो सद्भाग्य रहा कि प्रतिदिन धर्म लाभ की आवाज ना मालूम कितनी बार सुनाई पड़ी आपको, ये क्रिया थी जो आवाज संगम को सुनाई पड़ी थी, मगर आवाज सुनने के बाद जो पागलपन था वो पागलपन आपके पास कितना। नहीं क्लियर करो उपाय अने अपाय, अपाय पर श्रद्धा ये सम्यक दर्शन है, अने अपाय पाछळ उपाय तो सिद्ध का प्लस माइनस थशे। गलत कंपनी में तू इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, अपाय दिखाई पड़ता है मालूम है ना? पैसा इन्वेस्ट करने के पहले तुम सोचते हो आउटपुट में क्या है, पहले नंबर का स्टेप। मैं पांच बात आज आपसे करना चाहता हूं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद, कर्मबंध के पांच कारण
माने जब तक मैं संसार में हूँ, केवल नानी भी मोक्ष में नहीं है। कहाँ है केवल नानी? कहाँ है हमें अत्यारे क्या चाहिए? संसार में तमें संसार में, हमें पण संसार में कर्मयुक्त अवस्था ये संसार, कर्म मुक्त अवस्था है मोक्ष। संयमी चौक्स चाहिए, पर संयमी होवा छता कर्म दी बंधायेला है। એટલે અમે પણ સંસારી અને તમે પણ સંસારી, દરેક સંસારી આત્મા કર્મબંધ કરે 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 કરેને 100% કરે બરાબર। અભી આપકે સામને એ કહેના ચાહતા હું, નંબર એક, યદિ આપકે મન મેં કન્ફ્યુઝન હૈ આપ ચૂપ જાઈએ। ધર્મ કે ક્ષેત્ર મેં, ધર્મ કે ફલ કે પ્રતિ, પાપ કે ફલ કે પ્રતિ યદિ આપકે મન મેં કન્ફ્યુઝન, કન્ફ્યુઝન એટલે નહીં તમે બોલો, કન્ફ્યુઝન એટલે શંકા, સ્પષ્ટતા નથી, ધીસ મે બી ઓર નોટ। ગુરુજી ખરેખર આંબેલ કરવાથી એટલો લાભ થાય? ખરેખર સાહેબ માસ ખમણ કરવાથી એટલો લાભ થાય? આમ ભગવાન કહી ગયા એટલે હશે, પણ હજી મારા મનમાં બેસતો નથી, ધીસ ધ કન્ફ્યુઝન। કન્ફ્યુઝન આપકો સમ્યક દર્શન દૂર કર દે। તમે બસ સચ્ચમ નિશંકમ જમ જણે ઇમ્પોબિયમ, ભગવાન મેરી કોપરી મેં બેઠ્યા ને બેઠે આપની જો કાવો 100% થઈએ કન્ફ્યુઝન મુક્તિ। હમ યહાં સે શરૂ કરના ચાહેંગે, કન્ફ્યુઝન કા શિકાર મેં તો નહીં હું ને, ઇતના સંયમ જીવન કા પાલન કરને કે બાદ ન માલુમ આને વાલે દિનો મેં મુજે મિલેગા કે નહીં મિલેગા કુછ, કહાં દેખા, કોઈ લોજિક મેં પૂર્ણ નહીં કર સકતા હું। આપ મુજે પૂછો મારે પરલો કિતને દેખા, આઈ કાન્ટ પ્રૂવ। आपके मन में कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन है कि नहीं? आप बोलोगे गुरुदेव कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फिर मैं बताऊं 100% तो पागल बन जाएंगे। श्रद्धा नहीं है वही तो कन्फ्यूजन ना। एक छोटी सी बात संजय मैं बताऊं क्या होता क्या है, एकदम डेप में चले। ये विश्व का एरिया है और आप जाना चाहते गोपीपुर, देर इज नो वन विथ यू, रास्ता सन्नाटा से छा गया, आप अकेले हो और किसी ने बता दिया गोपीपुरा वेस्ट में है यहाँ से, और आपने वेस्ट की दिशा पकड़ ली। अभी देखो होता क्या है, कोई दिखाई नहीं पड़ता है जिसको तुम पूछ सको। होता क्या है मालूम है, वेस्ट की दिशा को देख करके तुम चलते तो हो मगर चलने में गति नहीं आती। मैं जो कहना चाहता हूँ एकदम डेप में सुन लेना, गति क्यों नहीं आती है? अब ये वेस्ट की ओर जा तो रहे हो मगर अंदर एक कन्फ्यूजन है, तेज गति से भागता रहूं और आधे रास्ते भी किसी ने बता दिया ये गोपीपुरा नहीं जाता है, ये रास्ता तो अठवाले जाता है, तब आपको लगेगा तेज गति से। तो क्या होता है संजय भाई, होता क्या है, चलते तो हो, चलते क्यों हो हैं? नहीं 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 वो भी नहीं। क्या हुआ? नहीं नहीं, चलते क्यों? यदि आपके मन में डाउट है तो फिर चलते क्यों? इसलिए चल दो, अबाउट लगता है वेस्ट, अबाउट समझे ना, लगभग तो लागे जाए दिशा बरा, लगभग समझे ना तमें, इतने तमें चालो तो छो, तमने चौक्स खबर थी कि आप पश्चिम में जो गोपीपुरा है तो अपने तो पश्चिम में छे गोपीपुरा होवु तो जी है, इतने तमें चालवानू शुरू कर तो तेज गति थी केम नहीं जाता, कारण के अंदर में डाउट है યાર કદાચ ન પણ હોય। આનો અર્થ શું થયો, શંકા સાથે ચાલો ત્યારે ચાલવાનું બને, ચાલવાનો ઉત્સાહ ન બને। ધર્મના ફળ ઉપર શંકા હોય ત્યારે ધર્મ ચાલુ રહે, ઉત્સાહ ના આવે। ધર્મ ફિર કરતા ક્યુ હે શાયદ ફલો કા, તે જ ગતિ છે નહીં ક્યુ કરતા, ન હો તો યાર મર જાઉંગા માને, અને એમાં થાય શું ખબર છે, રોડ ઉપર તમે જાઓ ને એક માણસ તમને મળે, તમે એને પૂછો રસ્તો ગોપીપુરા, સીધો જ ગોપીપુરા, પછી ચાલવાની થમણી જે ગડપ હતી ને મિરેકલ। મારે તમને એટલું કહેવું છે, શંકા સાથે દ્રવ્ય રસ્તા ઉપર પણ તેજ ગતિથી ચાલી શકાતો નથી, તો ભાવ રસ્તા ઉપર તેજ ગતિથી કેવી રીતે ચાલી શકાશે? એ શ્રેણી તબ યે ભદ્ર તબ યે માસક્ષમણ ક્યું કરતે, ये वर्तमान तब क्यों बोली है, सब कुछ क्यों करते हैं, नौपत जी की होली आ रही है, सब क्यों करेंगे मगर क्या जरूर क्या है?
पहले नंबर के स्टेप में मेरा यदि नंबर है कन्फ्यूजन, धर्म होगा मगर जिस उल्लास के साथ धर्म होगा, वांटेड जब क्लियर हो जाएगा यही धर्म सदगति में ले जाएगा, फिर तुम देखो क्या पागल बन जाते। धर्म नहीं करवो एवं पर नहीं अने धर्म कर्या विना रहू नहीं एवं पर नहीं, समझा ने? तो कब बाहर निकलेंगे? नहीं आप मुझे बताओ, मैं पांच बात आज आपसे करना चाहता हूं यदि टाइम रहा तो। सबसे पहले ये बाधक, बाधक सबसे बाधक, घातक तीन, बाधक और घातक। जो जिसको कंफ्यूजन नहीं वो तो धर्म करता ही नहीं। ईट ड्रिंक गेट बी मेरी, खाओ पियो मजा करो फिर देख लेंगे। मगर जो धर्म करता भी हो मगर वो धर्म करने में उसको आनंद क्यों नहीं है? दो मिनट में मंदिर में से निकल जाता है, दो रुपये का दान देता है, माने चैरिटी होती है तो बोलता है क्या है तुम्हारा 10,000 लोग खुश हूँ, ठीक है लेकिन तेजस्वी जो कहना चाहता हूँ समझ गए ना क्या? 10,000 लखी लो पण ए लखावी देवानो जे तर भराट नथी। माने धर्म की शुरुआत कन्फ्यूजन मुक्त माई, इस अठे परमटे से सम संपम नथे। जिन भक्ते जे नवी थयु ते बीजा थे नवी थाय। परमात्मन आपकी भक्ति करने के बावजूद भी यदि मेरे अंतराय नहीं तोड़े किसके बाप की ताकत नहीं अंतराय तो? ये है ये दृढ़ श्रद्धा, ये मिथ्यात्व की दुश्मन है। और मुझे ये पूछने का मन है यदि इतने दिनों की प्रवचन श्रेणी के बाद अब तक आपके मन में कंफ्यूजन क्यों है? नहीं मैं जानना चाहता हूं अनंत कंफ्यूजन छे तो केम छे? अनंत तीर्थंकर भगवान 2600 साल पहले तुम चले जाओ, आज के जमाने में भी तुम चले जाओ, सूरत ने कितनी दीक्षा देखी, आज भी कितने संयमी का दर्शन आपको होता है। विद्वान ताकतवान कोई तो पूज्य को जाके पूछो कि महाराज साहब आपने क्या देखा, इस जीवन में क्या देखा, हर तरह की सुविधा छोड़ के तुम निकल गए, क्या क्या कारण क्या था? यदि हम झूठे थे आप पुरवार कर दो महाराज साहब, बोगस बात है। ये नहीं लगता है ये इतने मुनि भगवान चारित्र के मार्ग पे निकलते, मैं खुद देखता हूं फिर भी अभी आपको कंफ्यूजन खत्म क्यों नहीं हुआ है? एक बात बताऊं, आप क्या करेंगे नहीं पूछता हूं, आप क्या मानते हो पहले तय करो। सम्यक दर्शन का संबंध करने से नहीं है, मानने से। सम्यक चारित्र करना है, सम्यक दर्शन मानना है। सिर्फ व्हाट यू बिलीव, वॉट यू आर डूइंग वो चारित्र रहेगा, बट वॉट यू बिलीव वो सम्यक दर्शन आएगा। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, चलो नानक गरीब बात पूछी लो, कॉमेंट नहीं करता, दान करो तेरे पुण्य बदे छे के पैसा घटे छे, खाली मानवा नहीं बात। तमें दान कदाच नहीं पण करता, कोके दान करू अरे ये दान करू तेरे तमारा मन में जे चित्र उपजू ए क्यू चित्र उपजू एनी बेलेंस ओछी थी ये के एनु पुण्य लिटरली बती गयू थे। फरी मैं कहूँ नो कॉमेंट प्लीज, मजाक नहीं करता, तमारी आखी भविष्यनो निर्धार आमां दी थशे। दान जारे करे त्यारे पैसा घट्या ए दिखाय के पुण्य वध्यु ए दिखाय। चलो तप करे, शनि तप भद्र तप मासक श्रमण करे, 70 किलो वजन 50 आवीने भर्यु, तमे जारे एना दर्शन करो त्यारे एनु वजन घट्यु ए दिखाय के कर्म खूब खपी गया ए दिखाय। तमारा दर्शन शुं थाय? फरी मारको कॉमेंट नहीं करता, कारण के गंभीर समझी छे जिंदगी परिवर्तन करी नाखे तेवो। दान करे त्यारे पैसा घटे छे के पुण्य वधे छे? तप करे त्यारे शरीर घटे छे के कर्म कपे छे? मुझे तप करना भी नहीं है, मैं दान करता भी हूं, एक फॉर एग्जाम्पल, मगर सामने वाले ने कर दिया तो मुझे जो दर्शन होता है दर्शन किसका होता है? चलो किसमें लगता है पैसे में? भाई दान में पुण्य बढ़ता है ना, और फिर
ये श्रद्धा होने के बावजूद हमने दान कितना बढ़ाया। भगवान के पास जाके मैंने क्या मांगा, भगवान पैसे बढ़े या ना बढ़े दान बढ़ना चाहिए, और दान का संबंध पैसे से नहीं है, दान का संबंध हृदय से। दान नो संबंध पैसा साथ छेद नहीं, दान नो संबंध खाली तुम्हारा हृदय साथ है। दान रुचि शब्द लगे, दान क्रिया नहीं लगी, दान रुचि। જ્યાં મોકો મળે ત્યાં દાન કરવું જોઈએ, જ્યાં મોકો મળે ત્યાં દાન કરવું જોઈએ, સમયનું, શબ્દનું, સંપત્તિનું, શરીરનું, જ્યાં મળે ત્યાં મારે દાન કરતા જ રહેવું છે। મેં સિર્ફ ઇતના પૂછના ચાહતા હું, આગે ચલું, મગર ઇતના પૂછના, આપ કભી ભી કહીં ભી કિસી ભી ક્ષેત્ર મેં દાન કિયા, ઉનકો રિક્વાયરમેન્ટ થી ઇસલિયે કિયા યા તુમે કરના થા ઇસલિયે કિયા? ફરી વાર આ ખાતામાં દાનનો આ ખાતામાં થોટો છે, માટે તમે દાન કરો છો કે તમને વિશુદ્ધ કોટીના પુણ્યબળનો ભાવ છે માટે સામેથી દાન કરો છો? થોટો હોય કે ન હોય મારે દાન કરવું છે। બોલે એમ કે હાઉસફુલ ચાલે તો પણ મારે કરવું છે। इसलिए कहना चाहता हूं, हमने कितनी बार, मैं भी पॉसिबल करोड़ का दान दिया हो, करोड़ का, इतनी जिंदगी में हमारे पास भगवान की कृपा से मिला और हमने बहुत कुछ दे भी दिया है, मगर हमारी मेंटालिटी क्या थी? आपको जरूरी इसलिए मैं नहीं देता हूं, मैं देना चाहता हूं। दान करने के बाद आपने दान लेने वाले का उपकार कितना माना? दान करने के बाद दान लेने वाले का उपकार तुमने कितनी बार माना? दो बार, लेने वाले का उपकार माना और दोबारा दान करने का मौका देना, वो डिमांड की, ऐसा कितनी बार हुआ? दान जेने लीधू एनो उपकार मान्यो अने फरी वार दान करवानी तक आप जो एवी तमे प्रार्थना करी, आवा दान आखी जिंदगी में कितनी बार करे? संजय मैं बोलू रोज ऐसा दान तुम करते हो, मैं तुम्हारी फेवर में हूं, आनंद समझा नहीं? ऐसा दान तुम रोज करते हो, साच बोलो मुनि भगवान ने गोचरी वराव बोलाओ तारे, तमें एम कहो कि साहेब वरावी एटले आपनी गाड़ी हाले छे, तमें कहो खरा साहेब हूँ वराव छू माटे आपनो शरीर चाले छे, बोलो नहीं, तमें शू मानो? आभार मानो साहेब बहु उपकार कर्यो, अने आगळ शू कहो? परिवार ओहो सुधरी गया। कभी कभी तो हम ऐसा भी बोलते ना, मुनि भगवान ये बोलते कोई द्रव्य नहीं, हाउसफुल हो गई गुच्छी, साहब गोल्ड की खाखरी ली जाओ अपने बारा होते है, ये श्रद्धा तो है तुम्हारी। मुनि भगवान को गोचरी बनाने में दोनों कंडीशन है, लेने वाले का भुक्कर मानते हो, रिपीट दोबारा विनंती करते हो, दो बार, तीन बार, पांच बार, साहब गमे तारी गमे तेती बात, आज बात सर्व क्षेत्र में दान में केम नहीं? सम्यक दर्शन कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। एनी डाउट मैं क्लियर कर दूं अभी, यदि मुझे भी चार साधु जी में इतना लगता है कि ये सब सहन करने में कुल फल ही मिलेगा तो मैं मुनिजन में कहां तक टिक पाऊंगा? ये लोच करने से अनंत कर्म निजरा नहीं होती है, श्रद्धा नहीं होती, मैं लोच क्यों कराऊंगा? ये नंगे पैर गोचरी, ये जिंदगी भर स्नान, ये ब्रह्मचर्य का पालन, ये गुरु भगवान की आज्ञा में रहना और कुछ सिर्फ कष्ट है ये मैं मजूरी कर रहा हूं, तो ये मुनिजन में कब तक रह पाऊंगा? आपको कोई डाउट है तो वो तो मैं क्लियर कर दूं, धर्म कोई भी करो मगर नो कंफ्यूजन होगी। चेहरे पे चमक नहीं है ना,
संगम को मालूम है ना, संगम गोचरी जाने के बाद जिंदगी में रोते रोते हुए मिली पहली बार खीर, वो भी खुद की नहीं थी, दूध किसी का था, चावल किसका था, सब मिला करके खीर बन गई। दुर्लभ ग्वाला का लड़का था, जिंदगी में कभी खीर देखी भी नहीं थी, और मुनि को देखा, और मुनि कौन थे मालूम है तुम्हें? मांस खमंड नहीं पाड़ने मुनि था, एटलू एने की मांस खमंड की खबर नहीं। आपने आधा दृष्टांत सुना है, वो अपने बकरी को लेके जहाँ भी जाता था चराने के लिए, वहाँ ये मुनि भगवान का अवसर ध्यान में थे। रोज ये ग्वाला वो मुनि को रोज देखता था, और वही मुनि खुद के घर में, बाप रे बाप, ये मुनि मेरे घर पे, और ये भाव उठाया उसने। जिंदगी का दुर्लभ द्रव्य उनके जीवन में था, दुर्लभ आपके लिए सुलभ होगा, उनके लिए दुर्लभ था। और मुनि को देखने के बाद तुम्हें मालूम नहीं, शालीभद्र चरित्र में तुमने कथा नहीं सुनी है, संगम यह सोचता कि मैं नसीबदार था, इसलिए कि जब मुनि भगवान आए तब माँ घर में हाजिर नहीं थी, माँ गई थी बाहर। यदि माँ होती तो मुझे इतना कहती, बेटा थोड़ा रखना, थोड़ा दे देना। माँ नहीं थी तो अच्छा हुआ मैं सब दे पाया, तुम समझते हो 8 साल के लड़के का भाव। माँ हो तो कदाच एम के थोड़ू राखी ने थोड़ू आपजे, बधुज आपी देवानी मने ताकत मळी, कारण के माँ घेरा जे बहु सारू थयुं। मैं ये पहले ये बताओ कि तुम ये भाव केम कीजे, पागल हो क्या? और माँ आती है तब वो थाली चाटता है, तब भी माँ बोलती है कि बेटा खीर खूब पसंद आई, तब ये नहीं बोलता कि माँ तेरे बेटे ने सब खीर दे दी। माँ को ये भी नहीं बता कि मैंने दान कर दिया है। और उसी रात मौत आई, उसी रात सुबह का दान और रात को मौत। और उसके मन में एक ही भाव, कैसा दान कैसे महात्मा। ये कंटिन्यूटी दान की अनुमोदना की थी, उसने संगम को शालीपुत्र बना दिया। एक ज रोटली भरावा कदाच बने, एक ज रुपया दान बने, एक ज सामायिक पागल पड़े। અને એના માટે કન્ફ્યુઝન મુક્ત મન તમારું હોવું જ જોઈએ। ફરી માર કહું, ધર્મ કેટલો કર્યો, ક્યારે કર્યો, એ બહુ મહત્વની વાત નથી, કેવો કર્યો એ પણ મહત્વની વાત નથી, કેવો ક્યાં અને ક્યારે એ મહત્વનું, શું કામ કર્યો, શું શ્રદ્ધા સાથે ધર્મ કર્યો, ચલો આગે। और आपको देखना देख लेना, हर धर्म की बात करने के बाद उसी टाइम इनके साथ आउटपुट लिखा है, दर्शनम पापनाशनम, ये आउटपुट था ना। आपका दर्शन वो क्रिया, पापनाशन वो फल, दर्शन मोक्ष साधन, दर्शन क्रिया मोक्ष का साधन वो फल। श्रीपाल का श्रीपाल के नौपद की ओली फल दिखाई पड़ता है, कोट गयो ने रोग गयो ने संपदा पाम्या, जेम महीना ने श्रीपाण बोलो छन, रोग गयो आसम फल। हर धर्म की बात कर दे उसी टाइम फल की बात देखिए, आपकी नजर वो फल के प्रति शायद है तो श्रद्धा है कि नहीं, बस इतना ही पूछना चाहता हूं। સાચું મારી શક્તિ કરતા ધર્મ ઓછો કર્યો, ઓછો કરું છું, એવું ક્યારેય કન્ફેસ કર્યું? શક્તિ કરતા સાહેબ ઓછું કરું છું,
આના કરતાં ઘણી શક્તિ છે સાહેબ, કોણ જાણે, નથી થતું, નથી કરવું, ઘણું કરી શકું છું. રાજુ ક્યારેક ઉપાય અને અપાય ઉપરની શ્રદ્ધા મજબૂત નહીં થાય ત્યાં સુધી ધર્મમાં મજા નહીં આવે. અને જે દિવસે આ શ્રદ્ધાનું ફાઉન્ડેશન તૂટ્યું એ દિવસે આચરણ તમારું ઊભું પણ રહેશે, આનંદગાયક થશે. ફરીવાર કહું, આનંદનો સંબંધ શ્રદ્ધા સાથે છે, આચરણ સાથે એટલો નથી. યા બેઠને મને સમને કભી કિસાન કો દેખાઉંગા, બીજ બોતે બોતે જમીનમાં ડાલતા હૈ ને, તમારે લગભગ આવું જોવાનું ઓછું બને. અમે વિચાર કરીને ત્યારે આવા ઘણા ખેડૂતો ખેતર આગળ દેખાય. મેને પહેલે બી બધા આજ બી બધો મને કિતને કિસાન કો દેખાય, જબ બીજ ડાલતા હૈ ને એવરેજ કિસાન કે મુંહ સે ગીત નિકલતે હૈ. ગીત ગાતા ગાતા કિસાન તમે ને પૂછો તો ખરા આ શું કામ પણ એ. હજી વરસાદ આવ્યો નથી, કાંઈ નથી, પણ એક જમીન ઉપરની શ્રદ્ધા અને આને રડતા રડતા અપાય નહીં, હસતા હસતા જ અપાય. તમને ફરી માર કહું, ખેતરને ક્ષેત્ર કહેવાય છે, ખેતરને ખેડૂતને એક જ ક્ષેત્ર છે, તમારી ઘર સાત ક્ષેત્ર છે. ખેડૂતની આગળ ખાલી એક જ ક્ષેત્ર છે અનાજનું, તમારી ઘડી એક સાથે સાત ક્ષેત્ર પુણ્ય બાંધવાના છે. આવું દાન કરતા કરતા ગીત ગાતા ગાતા આનંદિત થતા થતા તમે દાન કર્યું એવા પ્રસંગો કેટલા. એ જમીન ઉપરના વિશ્વાસના કારણે ખેડૂત જો હસી શકતો હોય તો ત્રણ જગતના નાથના શાસન ઉપર આપણો વિશ્વાસ કેટલો. નો ડાઉટ, મેં આગળ ચાલના ચાહતા હું, પહેલે એ ક્લિયર કરતો, મિથ્યાત્વને માટે બાધક કન્ફ્યુઝન છે સંકેતને માટે. જ્યાં સુધી મારા મનમાં અનેક વાત કહું, સ્પષ્ટતાનો સંબંધ સ્વસ્થતા સાથે છે. સ્પષ્ટતા બરાબર સ્વસ્થતા. તમને ક્લિયર કટ થઈ ગયું, યુ આર નાઉ હેપી. સાહેબ બિલકુલ સ્પષ્ટ ચિત્ર થઈ ગયું, આ જ છે, હવે ડર નથી. તમને એક વાત કહું, કેન્સરનું નિદાન થાય એ પછી પણ સ્વસ્થતા ટકી રહે, પણ નિદાન જ ન થાય ત્યાં સ્વસ્થતા ટકવી બહુ મુશ્કેલ છે. ખ્યાલ છે ને, 2 મહિને તક હું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરા રહ્યા, ખૂન લે લો, બ્લડ લે લો, યુરિન લે લો, સ્ટૂલ લે લો, સબ કુછ હોને કે બાદ પતા નહીં ચલતા હૈ ક્યા હૈ, પતા નહીં ચલતા ક્યા હૈ, તબ તક વો ઉલઝન મેં રહેતા હૈ. મગર જે દિન ડિસીઝ ડિક્લેર હો જાતી તબ બધા ઠીક હૈ, અભી 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 પહોંચ લુંગા હું, પાકું થઈ ગયું ને મને ટીબી છે, હવે પહોંચી વળીશ, અમેરિકા જઈશ, પણ રસ્તો કાઢીશ. ક્યારે ક્યારે સ્પષ્ટતા થઈ ગઈ ત્યારે અધ્યાત્મના જગતમાં સ્પષ્ટતા થઈ જાય પછી સ્વસ્થતા પાગલ. તમને બે બાબતમાં એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં, તમે આટલા બધા ધર્મ કર્યો કેમ? આનંદ જવાબ જોઈએ મુજબ, ઇતને સાલ તક તુમને ધર્મ કો પકડ કે ક્યુ રખા, એટલે મેં આપકો લાખ લાખ ધન્યવાદ દેતા હું, મગર જાણના ચાહતો ક્યુ પકડ કે રખ્યો. શું એમને નહીં, એમને નહીં, જે એક વાત કહું, આચરણ છે ને એ રેખા છે, શ્રદ્ધા એ વર્તુળ છે. આચરણ એક્શન ઇઝ ધ લાઈન, લાંબી હોય, ટૂંકી હોય, નાની હોય, મોટી હોય, બધું હોય, પણ
ફેઈથ છે ને સર્કલ છે, સર્કલ નાનું મોટું હોય પણ પૂર્ણ હોય અપૂર્ણ ના હોય. ભગવાનના 99 વચન ઉપર મને શ્રદ્ધા છે, 1 વચન ઉપર શ્રદ્ધા નથી, એ સંકેત જ નથી. ભગવાનના 99 વચનનું પાલન નથી કરતો, ખાલી 1 જ વચનનું પાલન કરું એ ચારિત્ર હોઈ શકે. હું શું કોઈ ખ્યાલ આવે છે ને, શ્રદ્ધા હોય તો પૂરી જ હોય, ન હોય તો ન હોય. શ્રદ્ધામાં ચાપ એટલે વચ્ચે ક્રેક નહીં હોય. ઘણું નથી સમજાતું આપણને. બે વાત મારે તમને કરી છે. શ્રદ્ધા નહોતી તો આટલા બધો ધર્મ કર્યો કેમ, અને શ્રદ્ધા જો હતી તો આટલો જ ધર્મ કેમ કર્યો? દુમી સિંહ જોવા માંગે, યદી શ્રદ્ધા થી હિ નહીં તો ઇતને સાલ તક મંદિર મેં ગયે ક્યું? યદી આપકો કન્ફ્યુઝન થા, મે ભી દાન કા ફલ મિલેગા નહીં મિલેગા, ફિર તુમને ઇતના ક્યાં ક્યું? और निश्चित फल मिलता तो इतना ही क्यों किया, चमक तुमने क्यों नहीं किया? श्रद्धा होती तो आटलो धर्म केम करो, श्रद्धा नहोती तो आटलो पण केम करो? तो करो केम? હું કહું છું ને, તમે પોતે કહો કે હું શું સર્ટિફિકેટ આપું? આચરણ બધાને દેખાય, શ્રદ્ધા તારા પોતાના મનનો વિષય છે. શું કહ્યું તમે? તમારી જાતને દારૂડીઓ ગટરમાં પડ્યો તો એમ કે હું ગંગામાં જ નાવ છું, પણ એ ગંગા થોડી હોય છે. તો શું માને છે? થોડી વાત છે, શું છે? અરે એક બાબત બતાવું, અનંત બુદ્ધિ પરાવર્ત જાને કે બાદ એક ભી બાર એ શ્રદ્ધા કે સ્વામી આમ નહીં બન પાય. અનંત વાર ચારિત્ર મળ્યું, એક પણ વાર સમ્યક દર્શન નથી મળ્યું. અનંત વાર માન્યતા બદલ્યા વિના આચરણ સારામાં સારું થયું ઠેકાણું. એ મિથ્યાત્વ સર્વ સ્વીકાર ભગવાન કે વચન કા યે સમ્યક દર્શન, નો કન્ફ્યુઝન. મેરી બુદ્ધિમાં નહીં બેઠતા, મુજે નહીં જમતા હૈ વો સબ કુછ હો, મગર ભગવાન આ ભી તો સચ. आपके वचन के खिलाफ मैं कुछ सोच भी नहीं सकता, आप ही तो सच. कंफ्यूजन फ्री माइंड हमारा, यही कर्मबंध को खत्म करने का पहले नंबर का राज. सम्यक दर्शन माने संसार का लिमिटेशन तय हो चुका. अभी आगे चलूं, कंफ्यूजन फ्री मन. और एडिक्शन फ्री मेरा जीवन, हम यहां से शुरू करेंगे. एडिक्शन फ्री शिष्ट पुरुष के बीच में मेरी आंख शर्म से झुक जाए ऐसा एक भी कार्य मेरे जिन में नहीं. पाप नहीं होगे मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर शिष्ट पुरुष की नजर में मैं उतर जाऊं ऐसा एक भी पाप मेरे जिन में नहीं है. आप इतना ही नहीं बोल सकते हो, निंद्य कार्य नहीं. धर्मरत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में 5वें नंबर का गुण लिखा है लोकप्रिय, इसमें दो कंडीशन लिखी है, किसी की निंदा नहीं करेगा और तू खुद तेरी निंदा करने का मन होगा ऐसा कार्य नहीं करेगा.
टू कंडीशन फॉर यू समाज में सूरत में तमारा परिवार में लोकप्रिय बनवाना बे रस्ता तमे कोई नी पण निंदा नहीं करो अने तमारी निंदा कोई ने करवानो मन थाय एवा कार्य तमे क्यारे नहीं करो हमारा नंबर इसमें है क्या टीवी में मैं ऐसा कुछ नहीं देखूंगा शिष्ट पुरुष को यार तू ये देखता है मेरे मुंह से ऐसे शब्द कभी नहीं निकलेंगे कि शिष्ट यार तेरे जमाने में ये शब्द मेरे बिजनेस की पॉलिसी वो तो नहीं रहूंगा कि किसको पूछना पड़े तू यहां तक नीचे उतर सकता है पैसे के लिए एडिक्शन फ्री लाइफ कैन कंफ्यूजन फ्री माइंड और एडिक्शन फ्री लाइफ अब इसमें तो आपको हाँ बोलना पड़ेगा मेरे बेटे को मेरी बेटी को मेरी पत्नी को मेरे माता पिता को मेरे गुरु भगवान को और समाज में किसी को भी मेरे इस कार्य का पता चले और मेरा मुंह शर्म से झुक जाए ऐसा कोई काम मेरे जीवन में नहीं होगा नेवर एक बात तुमने कही बहुत दिल से सुन लेना पहले मैं गुजराती बोलता हूं फिर इनका हिंदी करूंगा जे ग्रुपनी बच्चे तुम्हें रोज हो ग्रुप में जेटला नाना बापो चालता हो एना दी छूटवू मुश्किल छे अने जे ग्रुप में मोटा बाप आव्या नथी ए करवा पण मुश्किल छे परिवार जे मोटा पापनो समूह में समावेश ज नथी थयो ए करवा मुश्किल छे दाखला तरीके मांसाहार करवो तमारे माटे बहु मुश्किल छे बहु मुश्किल भगवानना शासनमां एवरेज द्रव्यथी जैन शासनमां छे कभी मंदिर में भी नहीं गया होगा कभी मैं भी पॉसिबल उपवास में नहीं आऊंगा गुरु भगवान के बाद नहीं आएगा मगर एक आइडेंटिटी एवरेज दो पांच लोगों को बात कर दो पण एवरेज तमने कहो मांसाहार तमारा जीवनमां आवो नेक्स्ट टू इम्पोसिबल बराबर छे आ शुं थयुं जे समाज में तमे रोज छो ए समाज में जे पाप हजी आव्युं नथी ए पाप तमारो जीवनमां लावो मुश्किल छे बीजी बात समाज में जे पाप कॉमन थी गयुं छे पाप थी छूटवुं पण तमारा माटे मुश्किल छे रात्रि भोजन जो कॉमन थी गयुं छे तो हवे रात्रि भोजन थी छूटवुं तमारा माटे बहु टफ छे ख्याल आवे छे ने समाज में जे पाप चालू छे ए पाप थी छूटवुं मुश्किल छे समाज में जे पाप आव्या नथी ए पाप करवुं मुश्किल छे जिस ग्रुप के बीच में तुम रहते हो उस ग्रुप में जो पाप का प्रवेश अब तक नहीं हुआ वो नहीं कर पाएंगे आप डर भी नहीं लगेगा शर्म भी होगी आप तुम्हें अंगुली भी यार तूने मांसाहार कर दिया नॉनवेज मगर रात्रि भोजन तुम करेंगे कौन नहीं करता है तुम सीधा बोल देंगे ये करता है ये करता है मांस खमण वाला भी करता है सैनी तो भला भी करता है करोड़पति भी करता है अष्टप्रकार की पूजा कौन नहीं करता है क्या हो गया मास साइकोलॉजी या मां साइकोलॉजी बोलते सब करते तो मैं भी कर देता हूं 12 महीने में एक उपवास नहीं करने वाला संबत्सर के दिन कर लेता है मां साइकोलॉजी यार तू तो रात को 12 बजे तो होटल में घूमता है यार आज संबत्सरी है मारा दीकरा है पत्नी है मारा मित्र बता उपवास करो आज तो करवो जोइए જે ગ્રુપની વચ્ચે રહો છો એ ગ્રુપમાં મોટું પાપ તમે કરી નહીં શકો નાનું પાપ છોડવા માટે બહુ સત્વ જોઈશે તમારે આગળ પાછળ ઉપર નીચે બધા જે પાપ કરતા એવા પાપથી છૂટવું એટલે બહુ મોટું સત્વ જોઈએ છે અને જે પાપ હજી સમાજમાં આવ્યું નથી એવું પાપ તમે દાખલ કરો ભયંકર નાલાયક હોય તો જ તમે કરી શકો બાકી કરી નહીં શકો મેં નોનવેજ ખાને વાળો દુનિયા પર લગે લગે જૈન સંઘ છે મેં આપકો માની નહીં શરમ નહીં તો મેરે પાસ મેં મેરે પિતાજી કી બાત કરના ચાહતા હું
शायद मैंने इसी भगवत ईश्वर के प्रवचन में आगे की थी। देवला के बाजू में जेसर नाम का गांव है, 4 किलोमीटर दूर। मेरा जन्म देवला में हुआ। पिताजी वो जाए, मैंने पिताजी को खुद को पूछा था कि आपके जीवन का कोई याद रहे ऐसा प्रसंग गृहस्थ जीवन में, तब आपने मुझे बताया था कि जेसर में दुकान थी और एक दिन दुकान में थैली, कपड़े की छोटी सी थैली, इसमें तुम्हारी भाषा में खिल्ली खिल्ली वन खिल्ली, खाली एक नानकड़ी कोथड़ी में खिल्ली लावे। तुमने जिंदगी में, मैं तो पागल बन गया था। क्या उत्तम व्यवस्था थी वो उस टाइम श्री संघ की। आज दोपहर को खिली लाए, आज जैसे तुम्हारे वीडियो में फेक न्यूज हो जाता है वायरल, पूरे जैन श्री संघ में पता चल गया दलीचंद भाई ने दुकान में खिली आवी। आनंद संघना प्रमुख ने खबर पड़ी, संघना प्रमुखे जनरल मीटिंग बुलावी, दलीचंद भाई ने मारा पिताजी ने हाजिर कराया और इमने पूछू तमारी दुकान में तमे खीली लाव्या छो धंधा माटे, वात साची तो साची, आज थी तमे संघ बार छो। पंदर कर्मादान मानो एक पण धंधो जैन श्रावक करी न सके। आ खीली लोखंडनो धंधो छे, लोखंडना स्पेर पार्ट अमेनी बात नथी करतो, पण ए वखतनी वात पिताजी मने कीधु, मने के संघनी बार मने करी दीधो, आज थी तमारी साथे कोई व्यवहार संघ लेवल पर नहीं। पगे पड़ो, माफी मांगी, लिखित लखी आप, आज पछी क्यारे पण आ लोखंडनी खीली वगैरहनो धंधो नहीं करूँ, पछी संघ मां लीधो। आई वुड लाइक, सच बोलो, आज किसी भी समाज का है ये है ताकत, किसी भगवान के शासनों को पाने वाला ये धंधा कभी नहीं कर पाएगा। तुम्हें कोई पूछने वाला है? मुझे लोगों का तू तेरे घर पे रहे, चाहे मैं चमड़े का बिजनेस करूं, चाहे कुछ भी करूं, नॉनवेज होटल कर दू, तू कौन मुझे पूछना? ये है ना, आज मैं दंग रह गया था पिताजी की बात सुनने का। मैं एक खाली लोखंड पैकेट पड़ी कू संघ बार, आज तुम्हें कहो तो हमने कांडा माने, हमने और थोड़ो माने, क्या जमा में जो तुम्हें के मारे कोई विरोध नहीं, पर जे बनी है तुम्हारी सामने कहूँ छू। कितनी उत्तम श्री संघ की व्यवस्था ने मर्यादा थी, कोई कहीं करी नो तो सोचू। आज તમારા ઘરના ફ્રીજમાં દારૂના બાટલાઓ, કોઈ પૂતના નેબર, કોઈ પૂતના નથી સાહેબ, મારી ઈચ્છા મારી મરજી, મારા ઘરે આવના મહેમાન, કોઈ વાત ના, અમે નથી કરતા, અમારી 2 આંખ નથી 14 આંખ છે, અમારી વર આવી જાય ઘણી જીજ એવી જીજ ને સાબરનગરમાં આ ક્યાંથી આવી ગયું, બટ વી આર હેલ્પલેસ। एडिक्शन फ्री एवं कोई पाप, एवं कोई व्यसन, एवं कोई धंधो न हो कि जेना कारण शिष्ट पुरुषों तुम्हारी सामे आंगड़ी करे, आ तमे करो छो। शेर बजार में बधाने मळजे ने गुस्सो, आमा बधाने मळजे गुस्सो, पैसा मळजे ने गुस्सो, जे करवू ए करो। તમે કોના બંધનમાં છો? સંઘના, સમાજના, તમારા પરિવારના, તમારા દાદાએ જે પાપ નહોતા કર્યા એ બધા પાપો લગભગ આવતા થઈ ગયા તમારા ઘરમાં, જીવનમાં નહીં। અને બહુ ગુજરાતી ભાષામાં થોડું કડક શબ્દમાં હોય તો આજે એવા પાપો ઘરમાં ઘૂસ્યા ગયા જે તમારા વડીલ કદાચ હોત તો આપઘાત કરી દેવાનો મન થઈ જાય, એમના આવા પાપોની કલ્પના પણ નહોતી કે આપણા ઘરમાં આવા પાપો કાલે આવી શકે, બધું જ
ધીમે ધીમે આવી રહ્યું છે અને કા તો આવી જવાનું છે. બસ તમે ખુલ્લી આંખે બધા તમાશા જોશો, રડ્યા કરશો, એક ખૂણામાં બેસીને રડવા સિવાય તમારે કંઈ બચવા નથી. બેટા આવું પપ્પા શાંતિ રાખો. આજે મને વાત યાદ આવી ગઈ, આમાં એડિક્શન ફ્રી. મેં જગ્યા ગોચરી બની ગયેલી ગયા ફ્રીજ મેં ખોલા और वहाँ ये बोतल दिखाई पड़ी. तब मैंने पूछा, वो टाइम तो नहीं बताया, उपास से माने के बाद मैंने पूछा कि मैं हैरान था, मेरी आंख ने धोखा दिया तो हम आप खुलासा करो. मे बी पॉसिबल मेरी आंख ने धोखा भी दिया हो, आंख नीची थी इनकी. मैंने बोला आपके घर में मैंने वो देखा फ्रिज में जो मैं कभी सोच नहीं सकता था. आपके पिताजी गर्म पानी पीते हैं, आपकी मां पीती है, आप सच्चे हो हमारे से. मैं मतलब क्यों लाना पड़ा. हमारे सब बेटे के फ्रेंड होते हैं ना, उनको पिलाने के लिए बेटा लेके आया. पहले छोटा सा प्रश्न बोल लूं, आप मेरे सामने तो कम से कम सीधा बोल दो, आपके बेटे का मित्र ही पिता के बेटा पीता है. आंख नीचे हो गई, आंख में से आंसू, मित्र के साथ बेटा भी पीता है आपके घर में. हाँ मारे से एक दिन बेटे को बोला था, अपने घर में ये न हो तो अच्छा है. पिताजी आपको गर्म पानी पीना है, मैं आपके लिए व्यवस्था कर सकता हूँ. आपको परमात्मा का मंदिर घर में बनाना है, वो भी व्यवस्था में कर सकता हूँ, मगर मुझे क्या करना आज से कभी बोलना मत. मैं आपको कहाँ ले जाऊँ, ये भगवती सूत्र का प्रवचन जो है कोई मामूली प्रवचन नहीं है. या मेरे सामने बैठे वो इतना नित्य कर सकते गुरुदेव मारा घर में. और एक बात, मेरी कमजोरी की बात बताऊं, जिंदगी में एक ही गलती, गलती मानो तो गलती, मानस तक एक विस्तार में दीक्षा के नौवे साल शाम की गोचरी में जाता. सर्दी के दिन और ऐसे घर में मैं गुजरी गया जिस घर में गर्म पानी पीना माँ का एक नियम था. लीडिंग करने वाली वो माँ थी. गयो शियाड़ा नो टाइम एट सूर्यास्त बहुत जल्दी, घरों में गुजरी जमू लाबू लावी ने वापर बेसू एट थोड़ी उतावड़ पड़. और गोचरी बिनने के लिए गया और माँ ने भजिया की विनंती की, ऐसा कर राजू तेरे घर में आवे मैं सब तो चेक नहीं करूं. कभी कभी ऐसा करो तो इनके घर में चेक भी क्या करना, पूछना भी क्या, बख्श ही होगा. उसी विश्वास के साथ मैंने बेल लिया, जल्दबाजी थी, आ गए. पात्रे नीचे रखे गोचरी आलोई और गोचरी और मैं पात्र लेके जाता था. वहां वो माँ दौड़ती दौड़ते मारे साई मारे साई मारे साहब पड़ता नहीं क्यों मारे साहब बटेटा बड़ा है. मेरी जिंदगी में पहली और लास्ट गलती आपके घर में उबाला पानी पीने वाली आपने मुझे मेरा दिया. गुरुदेव भुवन भानु सूरी महाराज थे, आपने पूछा माँ को, पहले तो मुझे डांटा, गवेश नगरी पूछवानी जरूर नहीं था, जवाब तो देना नहीं था. गुरुदेव गलती हो गई, माँ ने कहा गुरुदेव को, महाराज साहब रत्न समानी भूल नहीं थी, अब भूल मारी छे, तेरे पूछू केम आवू थे हूं? शाम का टाइम था. तब इतना कहा गुरुदेव घर में आए हुए मेहमान को यही आइटम पसंद थी, हमारा पूरा परिवार तो कभी खाता नहीं था, खाया भी नहीं अभी तक, मैं मेहमान की डिमांड थी हम तो यही खाएंगे. और गुरुदेव आप जो कुछ भी बोलो मेहमान के लिए हमने बना दिए थे और आप हैं आपको मिला दिए.
इनकी आंख सूज गई थी। और सुबह पूरा परिवार गुरुदेव मिला, सुबह आना, और सुबह पूरा परिवार आया, पूरा परिवार पूरी रात सोया नहीं था। हमें घर में आने वाले मेहमान को खुश करने के नशे में क्या कर दिया हमने, एक गुरु भगवान के पात्र में ये बना दिया। वो तो उदार है, करुणा है, माफ कर देगा, मगर कर्म सत्ता का माफ करेगी आपके घर में मुनि भगवान के पात्र में? माना से जे प्रायश्चित अपो आप गुरुदेव इतने कीधु जो खानदान छो, एक दिवस में एक घरे 15 बार गोचरी ना लाभ मिले एवं सरस मजेन श्रावक नु घर हतु, एना घर में आ एटले आम जाने आघात लगी जाए। गुरुदेव प्रायश्चित आपे नहीं पहले एमने कीधु साहेब आजीवन अमारो परिवार घर के घर की बार तो आ नहीं खाए, पर गम्मे तेवो मेहमान आवशे अमारा घर में आ द्रव्य हवे पछी क्यारे नहीं बने, अने पचकार नहीं गया। मैं किसी की भी निंदा नहीं करूंगा, और मेरी निंदा करने का किसी को मन हो ऐसा कोई कार्य मेरे जीवन में कभी नहीं होगा। नवपद के दिन आ रहे हैं, शाश्वती ओली की आराधना, परिचरण महत्वपूर्ण है मगर शाश्वत नहीं है। नवपद के 9 दिन अद्भुत भगवंती सूत्र के प्रवचन में ही प्रत्येक दिन पर एक एक पद पर हम थोड़ा फोकस जोर से करेंगे ताकि भगवती भी चले और नौपद की भी चले। मैं आपसे कहूंगा आज के प्रवचन में यदि आपको उचित लगे, आपके परिवार पर आपका राइट हो न हो मैं नहीं जानता हूं, आपके खुद के जीवन को दिल से तैयार कर देना, शिष्ट पुरुष अंगुली करे ऐसा कोई पाप मेरे जीवन में हर हालत में कितना भी आग्रह होगा गुरुदेव मैं इनको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, प्रवेश नहीं दूंगा, और बात आगे करेंगे, और भी 3 स्टेप बाकी है कल करेंगे। पिताजी महाराजे दुकान में एवी कई चीज लावी दी जेना कारणे एमने संघनी बार करवानो आदेश संघपति आप्यो। बोलो राइट, धर्म क्यारे कर्यो केटलो कर्यो ए बहु महत्वनी बात नथी, खाली जग्या आनंद बहु महत्व। मांसनी वच्चे रहेवामां एक लाभ पण छे एक नुकसान पण छे। तमे ज्यारे समूहनी वच्चे रहो छो त्यारे आ काम लगभग तमे करी नथी सकता अने आ काम थी लगभग तमे छूटी नथी सकता, एवी बे चीजनी बात करी हती। बेनवा छे कोई? हाँ बोलो। कॉमन फैक्टर में गिरी थी दिनेश, राइट। कर्म बंधना कारण 5, एम तीजा नंबर नु कारण क्यू? 5 कारण की मैं बात करी थी, एम तीजा नंबर नु कारण क्यू? राइट, कसाय राइट। लोकप्रिय बनवाना
ये पांच कारण छे। एमां पहला बे कारण कया? हाँ बोलो भाई। नहीं 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 नहीं, मैंने वो गाना जो, हाँ बोलो बहन कुर्सी ऊपर। किसी की निंदा नहीं करना और मेरी निंदा करने का किसका मन हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना। एक बात कहूँ, पांच स्टेप की बात करना चाहता था, समय की मर्यादा थी, दो हो गए, तीन की बात कल करूँ। हेलो हेलो, ओडीनी शुभ शुरुआत आसोथु छठ शुक्रवार 20:10 थी थाय छे। चौक्कस आप अनिल भाई ने थीपी पेढ़ीमां नाम लखावीने पास नाम लखावा विनंती। ओडीना लाभार्थी मातुश्री लीलाबेन दलितचंद त्रिभुवनदास गांधी परिवार बेपण छे, खूब खूब अनुमोदना। बेनप ണം ജയ